हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग विद डिम्पी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगेन SFR के आई शेडो ब्लश हाइलाइटर फेस पैलेट का। एक्चुअली ये वाला जो पैलेट है, इसमें आपको तीन और चार चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें आपके दो शेड्स आते हैं। मेरे पास जो पैलेट है उसका नंबर है 2, और 1 वाला पैलेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। सो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माय एनी वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वो पैलेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और इसमें लिखा है SFR कलर आई फेस प्रो मेकअप पैलेट। सो ये जो पैलेट है, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं जो कि आपको मेकअप में ज़रूरी चाहिए होती हैं। सो मैं आप लोगों को इसको अंदर से दिखा देती हूँ। एक तो उसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी, क्योंकि ये एक राउंड शेप में आती है और ये इस तरीके से लॉक, इसका लॉक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, और इसका कोई कवर नहीं था। किसी भी ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में नहीं आई थी, जबकि इन लोगों ने मुझे जो सेंड किया था पैकेज, वो इसमें बबल रैपिंग कर रखी थी बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये ब्रेक नहीं हुआ है, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एज यू कैन सी, आप सारे के सारे इसमें कलर्स देख सकते हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत कलर्स हैं। सो ये वाला जो सेंटर वाला है, ये आप एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं, और ये जो दो ऊपर के हैं ये आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, और ये जो नीचे के शिमर्स हैं ये आप एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को इनकी क्वालिटी के बारे में बता देती हूँ। इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। एंड Why I am saying this? Because whatever you are seeing on my face, जो भी आप मेरे फेस पे देख रहे हो वो सारा ही मैंने इस पैलेट से किया है, except foundation. मैंने foundation नहीं लगाया है, but I have जो भी ये glow आपको दिख रहा है हल्का सा highlight हुआ हुआ nose पे, cheeks पे और यहाँ पे chin पे, so ये सारा मैंने इसी से ही किया है। और जो मेरा आई शेडो दिख रहा है आप लोगों को, वो भी मैंने इसी से ही लगाया है। सो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, और मैं अभी इसके स्वॉचेज आप लोगों को करके बता देती हूँ। जो आपका फर्स्ट पैलेट है, ये जो शेड नंबर है मेरे पैलेट का, वो है 2, और जो 1 पैलेट है उसमें आई थिंक जो सेंटर वाला है, जैसे इसमें ये ब्लश है वैसे ही उसमें सेंटर वाला जो है आई थिंक कॉम्पैक्ट के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। शायद मैं अपने नेक्स्ट जो पैकेज होगा फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज, उससे मैं फर्स्ट वाला पैलेट ज़रूर मंगाऊंगी, और भी आइटम मंगाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइटम्स उसमें मिलते हैं और रीज़नेबल रेंज के भी होते हैं, और आपके हाई प्राइसेस भी होते हैं बट रीज़नेबल रेंज के प्राइसेस भी होते हैं। जैसे कि ब्लू हेवन का जो भी प्रोडक्ट है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे हैं ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स भी, और मैं ब्लू हेवन का एक प्रॉपर रिव्यू भी करूँगी कि आप किस तरीके से जो है उसका मस्कारा, उसका लाइनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर वो नेक्स्ट वीडियो की बात है। अभी हम इसकी बातें कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसके स्वॉचेस दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये दो जो ये हाइलाइटर हैं इसके स्वॉचेस दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, एज यू कैन सी, जस्ट लुक एट दिस एंड दिस इज व्हाट द स्वॉचेस, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसके बाद में जो ये सेंटर में ब्लश दे रखा है, मैं इसका आप लोगों को स्वॉच करके दिखा देती हूँ, और ये है इसका कलर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है इसका शेड। आप लोग इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पीची सा शेड आपके फेस पे देगा, और ये जो हाइलाइटर्स हैं इसको तो आप लोग हल्का सा भी स्वॉच करते हैं या हल्का सा भी लगाएंगे तो देखिए एक गोल्डन सा टेंट आपके फेस पे आएगा, जैसे कि आप लोगों को मेरे फेस पे दिख रहा होगा, चिन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, नोज पे दिख रहा होगा, यहाँ चीक्स पे दिख रहा होगा, ये एज यू कैन सी यहाँ पे। तो ये सारा ही मैंने इस पैलेट से यूज़ करके करा है। और अब मैं इसके आई शेडोज की बात करती हूँ। इसके जो आई शेडोज यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने नीचे पे, तो ये सारे ही आपके जो है शिमरी आई शेड। स्वॉचेज आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, आई एम जस्ट लविंग देम। तो मैं सबसे पहले हैंड का स्वॉच आप लोगों को करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, और उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये किस तरीके का है। एज यू कैन सी ये तीन कलर आप लोगों को दिख रहे हैं,
एक फर्स्ट वाला है गोल्डन, देन उसके बाद में है आपका ये हल्का सा ब्रॉन्जी सा शेड है दिस वन, एंड ये पर्पलिश है। तो ये आप कलर देख सकते हैं तीनों के तीनों, ये देखिए कितने पिगमेंटेड है, दे आर जस्ट सो पिगमेंटेड। और इसके बाद में तीन जो शेड हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट वन इज ग्रीन, द सेकेंड वन इज अगेन थोड़ा सा यू नो कॉपरिश टोन में है, और द थर्ड वन इज रेडिश, जो कि मैंने अपनी आईज पे लगा रखा है। मैंने गोल्डन और रेड दोनों मिक्स करके लगा रखे हैं। तो ये इसके स्वॉचेज हैं हैंड के, और मैं यहाँ पे इसके स्वॉच करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। एज यू कैन सी, आई मीन गाइज जस्ट लुक एट दिस, आई मीन हाउ पिगमेंटेड दे आर जस्ट सुपर्ब, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई थिंक ये एक पैलेट आपका यू नो फुल फेस मेकअप में यूज हो सकता है, और आप लोग इसको ज़रूर मंगाइएगा। और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 149 रुपीज़ है, और अभी भी शायद 149 ही होगा। मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ज़रूर चेकआउट करें। सो गाइस इस पैलेट को आप लोग ज़रूर मंगाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैलेट है, और मैं आप लोगों को इसके लिए थम्स अप बोलना चाहूँगी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हर एक वीडियो का जो अपडेट होता है वो सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आ जाता है, तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ओवर देयर, सो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड चेक आउट एंड फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई जस्ट मेक यू नो रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मेकअप वीडियोज और क्लोथिंग हॉल। तो अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।